गैंगस्टर से नेता बने 63 साल के मुख्तार अंसारी का गुरुवार रात को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। उन्होंने बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। डॉक्टर के काफी प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुख्तार अंसारी का यूपी में सिक्का चलता था, यहाँ तक कि पंजाब में भी जेल से वो अपनी हुकूमत चलाता था। उसने अवैध संपत्ति भी बनाई थी, तो कितनी है मुख्तार अंसारी की संपत्ति देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के दबंग और माफिया मुख्तार अंसारी के अपराध का चैप्टर अब क्लोज हो गया है। यूपी के बांदा जेल में बंद मुखिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत हो गई। मुख्तार अंसारी वो माफिया था जिसका सिक्का न केवल यूपी बल्कि पंजाब में भी जमकर चलता था। उसके एक इशारे पर जेलों के दरवाजे खुल जाते थे। जेल अधिकारियों में भी उसका इतना खौफ था कि वो मुख्तार की हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल में भी रहना पड़ा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस यूपी की जेल में नहीं आना चाहता था। इसे लेकर पंजाब और यूपी सरकार में खूब तनातनी भी रही, लेकिन साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उसे उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। पंजाब की जेल में बंद रहते हुए भी उसने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। इसके लिए उसने विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए तमाम गैर कानूनी काम किए। उस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी छानबीन में 20 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का पता लगाया। मुख्तार अंसारी के जेल में होने की वजह से उसकी बेगम अफशा अंसारी अपने भाई आतिफ के साथ मिलकर विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए काम करती थी। इस दौरान कई ऑर्डर लेकर कागज पर काम दिखाया गया और फिर उस पैसे से जमीन मकान बनवाया गया। नकद पैसा अब्बास और दूसरे लोग खर्च करते थे। ईडी ने मऊ और गाजीपुर में अब्बास के नाम पर बनाई गई 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच भी किया था। जानकारी के अनुसार पंजाब की रोपड़ जेल में रहते हुए माफिया मुख्तार अपना नेटवर्क चला रहा था। उसके संपर्क में हरियाणा के कुछ लोग भी थे जो उसका सहयोग करते थे। जेल में अंसारी को सुविधाएं देने के मामले में पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ भगवंत मान सरकार में जेल मंत्री रहे हरजोत बैंस ने मोर्चा खोला था। उन्होंने अंसारी के बारे में एक फाइल तैयार की थी जिसमें बताया गया था कि कैसे अंसारी को जेल में वीआईपी सुविधाएं दी गई।